यूपी के गाजियाबाद जिले में थाना इंदिरापुरम पुलिस और साइबर सेल ने साइबर क्राइम गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी लगातार लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे ठगी किया करते थे। ये ज्यादातर उन लोगों को निशाना बनाते थे जो अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाया करते थे। एसपी सेकंड ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग 2012 से फर्जी नाम पते पर सिम खरीदकर इंटरनेट के माध्यम से सरकारी रिटायरमेंट कर्मचारियों और अधिकारियों का डेटा प्राप्त कर उन्हें कॉल करते थे और फिर अपनी बातों में फंसाकर ठगी करते थे। ये कई लड़के और लड़कियों को रखकर कॉलिंग कराने का काम करते थे। अभी तक ये अरबों रुपए का फर्जीवाड़ा कर चुके हैं। हाथ लग गया जिसमें 3 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए। आइए हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिटी सेकंड ज्ञानेंद्र जी, बात करते हैं। सर, 3 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें क्या है पूरा मामला? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए अभियान 420 के तहत आज इंदिरापुरम पुलिस और साइबर सेल के द्वारा 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे भारी मात्रा में ATM कार्ड, पासबुक, चेकबुक, मोहरें बरामद की गई हैं और इनके जो भी अकाउंट हम लोगों को अब तक ज्ञात हो चुके हैं उनको सबको फ्रीज करा दिया गया है। सर, पुराना क्या, पिछला बैकग्राउंड क्या था अपराधियों? ये लोग पिछले 2012 से इस ढंग का क्राइम कर रहे हैं। ये मूल रूप से रिटायर्ड कर्मचारियों को अपना निशाना बनाते हैं, उनको EPF मैच्योरिटी बढ़ा कर दिलाने का लालच देते हैं, जिसके लालच में रिटायर्ड कर्मचारी फंसते रहे हैं और उन्हीं को निशाना बनाकर अब तक करीब हजारों लोगों से कई करोड़ रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। अब जो जिनके साथ ठगी हुई है सर, उनको कैसे रिफंड कराएगी गाजियाबाद पुलिस? उन सभी को जो मुकदमे दर्ज हैं, वो हमारे यहाँ भी मुकदमा दर्ज है। इसी क्रम में हम लोगों ने इस गैंग को वर्कआउट किया है और हम लोग और पता कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से इन लोगों ने किसके किसके साथ फ्रॉड किया है, उनका पूरा लिस्ट बना रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनके मुकदमे दर्ज हैं उसको बात कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हम लोग करा रहे हैं। साइबर ठगी के लिए सर क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए? मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि साइबर अपराध से बचने के लिए जनता को पूर्ण रूप से जागरूक होना पड़ेगा। किसी अननोन कॉल पे अपना कोई भी डाटा, किसी तरह का कोई डाटा न दें, न तो उनको मोबाइल नंबर दें, न तो उनको अपना अकाउंट नंबर दें, न अपना पैन नंबर दें, न तो अपना पिन कोड नंबर दें, जिसको वो यूज करके इस तरह का साइबर अपराध कर पाए। जनता जितनी जागरूक होगी साइबर अपराध कम होता जाएगा। तो ये थे हमारे साथ एसपी सिटी सेकंड 2। साफ तौर पर इनका कहना है कि लगातार जो भी साइबर है किसी को अपनी जानकारी ना दें और ना ही किसी को कोई ATM कुछ वगैरह कोई पिन बताएं। मैं समाचार टुडे सुनील गौतम समाचार टुडे। फिलहाल पुलिस ने उन लोगों का पता लगा रही है जिनके साथ इन्होंने ठगी की। सभी की एक लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि उन्हें रिफंड किया जा सके। आरोपियों के कब्जे से छोटे मोबाइल फोन, 33 ATM कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 8 चेक बुक और 2 मोहर बरामद की गई।